दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे तू चोर मैं सिपाही फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी और जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तू चोर मैं सिपाही सन 1996 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सैफ अली खान, तब्बू, प्रतिभा सिन्हा, अमरीश पुरी, अनुपम खेर और देवेंद्र वर्मा नजर आए थे। इस फिल्म को गुड्डू धनवा ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस किया था नम्रता दहल ने और इस फिल्म की कहानी रॉबिन हेनरी ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स रूमी जाफरी ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 190 स्क्रीन्स के साथ 10 मई सन 1996 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 4,25,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 6,20,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 60,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 2,92,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 10,80,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.2 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1996 की 21वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक दिलीप सेन और समीर सेन ने दिए थे और इसके लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और इसके कुछ गाने अच्छे हिट रहे थे। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म अक्षय कुमार और तब्बू की साथ में पहली और एकमात्र फिल्म थी जिसमें तब्बू अक्षय के ऑपोजिट नजर आई थी। दोनों हेरा फेरी फिल्म में भी नजर आए थे लेकिन उस फिल्म में तब्बू सुनील शेट्टी के ऑपोजिट नजर आई थी। नंबर 2, ये फिल्म अक्षय कुमार और सैफ अली खान की साथ में तीसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने साथ में ये दिल लगी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म में भी काम किया था। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।